हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। बेसिकली इन दिस सेशन वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स एंड इन लास्ट रिलेशन बिटवीन केल्विन, फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि इस रिलेशन का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल में 25 डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इट्स डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ कोल्डनेस। मतलब कोई भी बॉडी कितना ठंडा है या कितना गर्म है ये बताता है टेम्परेचर। ओके, मतलब बॉडी कितना ठंडा है या फिर गर्म है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर वाले बॉडी को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो हीट जो होगा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है, और ये हीट तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ओके, अब बात आती है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है तो तब क्या होगा। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट सेम टेम्परेचर, नो नेट हीट इज एक्सचेंज बिटवीन देम व्हेन दे आर brought in contact with contact and this condition is called thermal equilibrium। मतलब अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब जहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर दोनों का बॉडी का टेम्परेचर सेम है। नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, CGS यूनिट डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हम फारेनहाइट में भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, फर्स्ट केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट डिग्री फारेनहाइट। अब बात आती है कि इन सब का आपस में रिलेशन क्या है। ओके, एक और चीज, द जीरो ऑफ द केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। मतलब जीरो केल्विन की वैल्यू को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। और ये जीरो केल्विन सेल्सियस में कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर को हम बोलने वाले हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये भी पूछा जा सकता है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन, फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, वो रिलेशन क्या है। सी बाई 100 इज इक्वल्स एफ माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल्स के माइनस 273 बाई 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तीनों साइड में मिडिल टर्म या फिर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड तीनों में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा सी बाई 5 इक्वल एफ माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल के माइनस 273 बाई 5। अब इस रिलेशन का यूज करके हम किसी भी टेम्परेचर वैल्यू को हम एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेल्सियस से हमको फारेनहाइट में चेंज करना होगा तो हम इन दोनों रिलेशन में यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर फारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना होगा तो इस रिलेशन में यूज करेंगे, या फिर अगर सेल्सियस को डायरेक्टली केल्विन में चेंज करना होगा तो फिर इन दोनों का रिलेशन यूज करेंगे। तो इसी बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। हम इसको चेंज करते हैं, क्वेश्चन इज कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ सी 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन एंड फारेनहाइट। हमारे पास रिलेशन क्या है, सी बाई 5 इक्वल एफ माइनस 32 बाई 9। सबसे पहले हम 25 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करने वाले हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी 25 डिवाइडेड बाई 5, 25 वैल्यू पुट करेंगे देन वी हैव एफ माइनस 32 बाई 9, ये सब 25 बाई 5 5 हो जाएगा। नाउ वी हैव 5 इक्वल्स एफ माइनस 32 बाई 9 एंड इन लास्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी हैव 5 इंटू 9 इक्वल्स एफ माइनस 32, ये हो जाएगा 45 एफ माइनस 32। नाउ अब इसको इधर लाएंगे देन वी हैव एफ इक्वल्स 45 प्लस 32 इज इक्वल 77। तो ये 77 डिग्री फारेनहाइट वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री
सेल्सियस का उस फारेनहाइट इसके अंदर। इसी तरीके से केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा, सी बाई फाइव इक्वल्स के माइनस 273 बाई फाइव, फाइव फाइव दोनों साइड में, इसको हम डायरेक्टली सी इक्वल्स के माइनस 273 भी लिख सकते हैं। अब सी की वैल्यू 25 है, के हमको फाइंड करना है 273, इसको इधर लाएंगे देन के इक्वल्स 25 प्लस 273, इसको सॉल्व करेंगे 538 279 एंड 2, सो 298 केल्विन है। ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में वैल्यू 298 केल्विन। इसी तरीके से फारेनहाइट में देखेंगे तो वो जगह 77 डिग्री फारेनहाइट। तो इस तरीके से इस रिलेशन का यूज करके हम एक टेम्परेचर वैल्यू को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, थैंक यू।